एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार में 28 जनवरी 2020 को जो एसटीईटी की परीक्षा हुई है वह क्यों रद्द हुई है। यह परीक्षा को रद्द होने में एक दो नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा कारण हैं जिनके कारण बिहार की एसटीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पहला है कि इसका सिलेबस ही नहीं था। बिहार में जो 28 जनवरी 2020 को परीक्षा हुई थी उसमें का सिलेबस ही अंततः सरकार द्वारा नहीं बताया गया था। विद्यार्थी बार बार मांग कर रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, पहले के सिलेबस के अनुसार परीक्षा होगा या कुछ नया होगा, लेकिन सरकार या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इस पर मौन रहा और अंततः जो परीक्षा हुआ वह अपने पुराने सिलेबस के अनुसार हुआ और नया सिलेबस तो बताया नहीं गया था। तो सबसे रद्द होने का पहला जो मुख्य कारण है तो वह है सिलेबस के नहीं होना। दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वह है पेपर का लीक होना। जैसा कि आपको जानकारी है कि एसटीईटी परीक्षा में पेपर भी लीक हो गया था, तो इसके लिए सरकार जो है जांच कमेटी बैठाए थे कि पेपर लीक में क्या किया जाए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, अगर एक जगह पेपर लीक होता है तो उसे जो है अन्य जगहों पर पहुंचना मात्र 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में जो है देश किसी कोने में वह पेपर पहुंच सकता है। तो एसटीईटी की परीक्षा का दूसरा जो मूल कारण है वह है पेपर का लीक होना। अगला है कोर्ट में सुनवाई। जी हाँ, एसटीईटी की परीक्षा का रद्द होने का कारण है कोर्ट में सुनवाई। जैसा कि आपको जानकारी है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो जल्द ही मतलब कि आज से 5-6 दिन के अंदर ही कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली थी कि एसटीईटी के बारे में कोर्ट क्या आदेश देता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोर्ट के आदेश के पहले ही इस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया। और उसके बाद जो अगला जो कारण है बिहार में शिक्षकों का हड़ताल। जैसा कि जानकारी है कि आप सभी भी जानते हैं कि बिहार में आय की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और स्टेट की अपेक्षा यहाँ आय काफ़ी कम है और शिक्षक बार बार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जो है उनका जो है पेमेंट बढ़ाया जाए। तो इसी को देखते हुए सरकार इसमें सक्षम नहीं है, अतः ये सब आंतरिक कारण है। इन्हीं सबों को देखकर सरकार ने क्या किया कि इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया। इसके बाद अगला कारण है एसटीईटी परीक्षार्थी पास द्वारा हमेशा जो है सरकार का विरोध करना, हड़ताल करना। आपको जानकारी होगा कि बार बार एसटीईटी जो परीक्षार्थी हैं उनका एक यूनियन बन जाता है और बार बार वो सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं कि उनकी वैकेंसी किया जाए। और आज के डेट में सरकार के पास उतने संपत्ति नहीं है, उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि सभी शिक्षकों का पेमेंट बढ़ा दिया जाए और सभी एसटीईटी पास को नौकरी दे दिया जाए। तो इसको देखते हुए भी सरकार ने सोचा कि ना ये लोग पास होंगे ना कभी हड़ताल करेंगे, तो इसको देखते हुए भी सरकार ने इस परीक्षा को जो है रद्द कर दी। इसके बाद है कोरोना का कहर। जैसा कि जानते हैं कि कोरोना ने जो है सभी स्टेट को आर्थिक स्थिति डामाडोल कर दिया है, तो सरकार इस स्थिति से उबर नहीं पा रही है। सरकार का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होता जा रहा है, दिनों पर दिन खराब ही होगा और भी होगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया, इसको रद्द कर दिया कि नहीं लोग पास करेंगे, नहीं लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि सरकार पहले से ही लगभग दिवालिया होने जा रही है। तो इन सभी को देखते हुए हमारा पर्सनल चूंकि अनुमान है सरकार डिसीजन लिया होगा कि क्यों न इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हम बताएं उसमें अनुमानित है, बहुत लोगों का अपना अपना अनुमान है, लेकिन सबसे जो मूल कारण है इस परीक्षा का रद्द होना वह है सिलेबस का नहीं होना और परीक्षा में अनियोजित ढंग से प्रश्न पूछना। जैसा कि आपको बताते चलें, जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के प्रश्न को उत्तर देना होता है। पुनः रिपीट करते हैं कि बिहार के नियमानुसार सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और विद्यार्थी को उसमें से 2 सब्जेक्ट चुनना रहता है कि नहीं 2 सब्जेक्ट को चुन करके उसी के जो है वो परीक्षा का हल करता है। और उसमें भी एक शर्त है कि 2 पेपर जो आप चुन रहे हैं उसमें आपका एक हिस्ट्री या एक ज्योग्राफी अवश्य होना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा में जो प्रश्न बनाए गए थे उनका प्रारूप ऐसा नहीं था। प्रश्न
में चारों विषयों का जवाब देना नितांत हो गया था, इसमें विषयवाइज कुछ सिस्टम ही नहीं था। तो जब परीक्षा चल रही थी उसी समय विद्यार्थी अनुमान लगा लिए थे कि एक न एक दिन इस परीक्षा को रद्द होना ही है, क्योंकि इसका कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। तो सबसे मूल कारण वही है जिसके कारण जो है इस STET परीक्षा का जो है रद्द होना एकदम निश्चित था और अंततः जो है निश्चित हो ही गया और परीक्षा रद्द हो ही गई। और बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमारे फोन से पूछ रहे हैं कि ये STET की परीक्षा की होने की संभावना कब है। तो आपको बताते चल रहे हैं कि ये परीक्षा जो है दैनिक जागरण में छोटा सा न्यूज आया हुआ है पटना के संस्करण में कि STET की परीक्षा जो रद्द हुई है ये हो सकता है कि जनवरी में ये परीक्षा हो। तो अगर आप जो है इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर इस STET परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को ऑल करके आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी जानकारी और तैयारी आपको आसानी से हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।